मेरे जैसे स्थायी रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए होटल पसंद ना करना बहुत अजीब बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं मेरा ऐसा करना बिल्कुल उचित है। लोग अलग अलग कारणों से होटल को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे जैसे बहुत कम लोगों के पास उनसे इतनी नफरत होने के कई कारण होते हैं। ये सब जुलाई की एक रात से शुरू हुआ। मुझे अधिक विशेष रूप से उस दिन बाकी दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा गर्मी थी। मैं अपने बच्चों को अपने भाई के घर छोड़कर वापस आ रहा था। मैं और मेरी पत्नी बहुत सारी नौकरियां करते थे, तो मेरा भाई हमेशा मेरे बेटे की देखभाल में मददगार होता था। इसके अलावा उसे अपने चचेरे भाई बहन के साथ खेलना बहुत पसंद था, भले ही वो बहुत दूर रहता था। मैं वापस सड़क पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन मेरी कार में गैस खत्म हो गई। ये पूरी तरह से मेरी गलती थी। इतनी जल्दी में सब कुछ करने से मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज को भूल गया। ये जानते हुए कि जल्दी बीच रास्ते में गैस खत्म हो जाएगी, मैंने थोड़ा जल्दी रुकने और होटल में रुकने का फैसला किया। होटल ना तो बहुत अच्छा था ना ही बहुत बुरा। ये एक नॉर्मल सड़क के किनारे एक होटल था जिसमें सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं थी। और हालांकि मुझे इस होटल से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यह मुझे आश्चर्यजनक करने में कामयाब रहा। मैंने कमरा बुक किया और गर्म पानी से नहाने के बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखने और सोने जाने का फैसला किया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं भ्रमित होकर उठा और भूल गया कि मैं कहाँ था। जब मेरी नजर साफ होने लगी तो कसम से मैंने अपने सामने कुछ देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। ये समझते हुए कि मैं कहाँ था और ये जानते हुए कि कोई मेरे कमरे में आ सकता है, मैंने अपनी आंखें साफ की और फिर से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं अभी भी चिंतित था। मैंने लाइट चालू की और पूरे कमरे की जांच की। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था और केवल दरवाजा बंद बस अंदर से ही किया जा सकता था। मैंने कमरे के हर कोने में देखा और कुछ भी नहीं मिला। इस बात का जरा भी संकेत नहीं मिला कि मेरे साथ कोई कमरे में था। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा खा रही थीं? शायद ये बिल्कुल वास्तविक सपना था जो वास्तविकता के साथ मिश्रित हो गया था। हालांकि मुझे यकीन था कि मेरे साथ कोई नहीं है। इस बार मेरे लिए सो जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मुझे नींद आ गई। मैं टीवी चालू करके सो गया ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी कर सकूं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे ठीक से दिखाई दिया कि मेरे सामने एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति बहुत सफेद था। उसकी आंखों और मुंह पर बहुत निशान थे और उसकी शक्ल बिल्कुल पागलपन भरी थी। वह व्यक्ति अंधेरे में मेरी ओर देखते हुए बहुत धीरे धीरे मेरी दिशा में चल रहा था। वो जो भी कदम उठाता था ऐसा लगता था जैसे मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी ओर चल रहा है। भले ही मैं सीधे उसे देख रहा था, उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी ओर नहीं चल रहा था, वो टीवी की ओर चल रहा था। जैसे ही वो टीवी के पास पहुंचा, उसने अपनी उंगलियां स्विच तक पहुंचाई और उसे बंद कर दिया। अचानक कमरा एकदम अंधेरे से भर गया। हो सकता है कि मेरी आंखें रोशनी के अनुकूल हो गई हों, लेकिन ये सामान्य नहीं था। टीवी के बिना भी आपको कमरे में कुछ न कुछ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। आप कुछ भी नहीं देख सकते थे, जैसे कि आप किसी दूसरी जगह में आ गए हों। मैं जो कर सकता था वो था सुनना। भयभीत और भाई के साथ मैं बिस्तर पर लेटा हुआ धीरे धीरे इस व्यक्ति के मेरी ओर कदमों की आहट सुन सकता था। इस बार रास्ते में कोई टीवी या ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसका ध्यान खींच सके। कदम सीधे मेरी ओर थे। मैं बेडसाइड लैंप को चालू करने के लिए जल्दी से पहुंचा, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। जल्दी से सोचते हुए मैंने अपना सेलफोन निकाला और उसकी टॉर्च चालू की। मैंने तुरंत पद चिन्हों के स्रोत की ओर सेलफोन की ओर इशारा किया, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मैंने हर जगह अपनी रोशनी चमकाई, लेकिन कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे एक बार फिर जो कोई भी मेरे साथ था वो गायब हो गया था। मुझे दूसरी दिशा से आने वाली आवाजें सुनाई दी। एकमात्र जगह जिसे मैंने अभी तक नहीं खोजा था, ये छत पर था। वो इंसान नहीं हो सकता। ये मकड़ी की तरह छत से चिपक गया था। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और चुपचाप बिस्तर पर गिर गया और मुझे अपने नीचे फंसा लिया। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था और भय से जड़ हो गया था कि मेरे शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक बार जब वो मेरी तरफ पहुंचा तो उसने अपना मुंह खोला और मुझे चोट पहुंचाने के लिए उत्सुक होकर अपनी लार मेरे मुंह के ऊपर टपका दी। ये जानते हुए कि मैं कितना डरा हुआ था, उस राक्षस ने मेरी चादर खींच ली और मेरे शरीर को उसके सामने खुला छोड़ दिया, जैसे कि वो एक बिल्ली हो जो अपने शिकार के साथ खेल रही हो। उसने मेरी शर्ट को पीछे से खींच लिया और फिर मेरी तरफ देखा। एक बार जब उसने ऐसा किया तो वो आदमी मेरे पेट को हिंसक रूप से खरोंचने लगा। दर्द असहायनीय था। मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं था। खरोंचे तेज और अधिक हिंसक होती जा रही थी। मैंने अपने जीवन में कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया। मुझे चक्कर आने लगे। फिर मैं किसी तरह से होश में आया और उसके सिर पर मैंने जोरदार प्रहार किया। मैं सामने के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो बंद था।
मैंने वो चाबी पकड़ ली जो मुझसे कुछ इंच की दूरी पर थी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैं पीछे मुड़ा और वो वहाँ था। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ मेरे बिस्तर पर बैठा था। मुझे घूर रहा था और इस तथ्य से खुश था कि मैं इतना परेशान था कि मैं एक दरवाजा भी नहीं खोल सका। फाइनली मैं इसे खोलने में कामयाब रहा और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मैं होटल से होते हुए अपनी कार की ओर भागा और जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, मैं होटल की ओर देखने के लिए मुड़ा। मैंने जो देखा उस समय एक बार फिर से हैरान रह गया। होटल, वो एक होटल नहीं था, वो एक अबैंडन्ड होटल था। जिस होटल को मैंने मूल रूप से देखा था उसमें कुछ भी नहीं बचा था। इस पूरे समय मैं एक भूतिया होटल में था, उसमें कोई नहीं था, दीवारें नष्ट हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि सबसे बुरा हिस्सा क्या था? मैं जिस कमरे में था उसे बाहर से देख सकता था क्योंकि कमरे की दीवार गायब थी। उस कमरे में कभी ताला नहीं लगाया गया था और जिस बिस्तर पर मैं सोया था वो सड़ा हुआ और कीड़ों से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि कोई लेटा हुआ है। ये वही आदमी था जो मेरा पीछा कर रहा था। अचानक वो बिना किसी कठिनाई के बिस्तर से उठा और मकड़ी की स्थिति में आने के बाद वो पूरी तेजी से मेरी ओर दौड़ा। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ता, मैं अपनी कार में कूद गया और उस डरावनी जगह को पीछे छोड़ते हुए जितनी तेजी से मैं कार चला सकता था कार चलाया और भाग गया और तुरंत अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने गया, जिसने कहा कि मैंने जो कुछ भी अनुभव किया था वो उस समय मेरे तनाव के कारण था और वो मुझसे ये देखने के लिए मिलेंगे कि मैं कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मेरे विवरण के अनुसार उस रात मेरी मुलाकात जेफ द किलर से हुई, एक डरावना राक्षस जो इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर क्रीपी पास्ता में से एक माना जाता था। जब मैंने जेफ द किलर की तस्वीर देखी तो मैं अपने बच्चों के सामने रोने लगा। ये उस भयानक रात को फिर से जीने जैसा था। मुझे नहीं पता कि वो प्राणी क्या था और उसने मुझे लगभग मारने की हद तक यातना देने का फैसला क्यों किया। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उस दिन मैंने थोड़ी अधिक मासूमियत खो दी और हर सभी चीज पर विश्वास करना बंद कर दिया। कौन जानता है कि तुम्हारा सामना कब किससे हो जाए। क्या आपने कभी इस आदमी को सपने में देखा है? ये पिक्चर इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर में से एक है। ये आदमी एक सामूहिक उन्माद का हिस्सा माना जाता है जहां हर कोई अपनी नींद में इस आदमी को देखने का दावा करता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सपने से सपने तक यात्रा करता है और अपनी आंखों से अपने पीड़ितों का पीछा करता है। मैंने सोचा था कि ये एक महान पैरानॉइड कोइंसिडेंस का हिस्सा था और ये विश्वास करने के कारण ही शायद मैं बहुत करीब पहुंच गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता था जिसके साथ मुझे नहीं खेलना चाहिए था और इससे मेरी जान लगभग चली गई थी। मैं इस आदमी के बहुत करीब पहुंच गया था और ये साबित करने की कोशिश करने लगा कि वो नकली है। न केवल मुझे पता चला कि वो नहीं था बल्कि मुझे ये भी पता चला कि ये एक निर्दयी भयानक पर पीड़ित राक्षस है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं टीनेजर था। मैं इंटरनेट पर डरावनी कहानियां देख रहा था, तभी मेरी नजर एक क्रीपी पास्ता फोटो पर पड़ी। उस छवि को देखते हुए मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये काफी परिचित लग रही थी, लेकिन मेरे सपनों से नहीं बल्कि इसे हर जगह देखने से। अन्य समय के विपरीत इस बार इसने मेरा ध्यान खींचा और मुझे थोड़ा उत्सुक बना दिया। मुझे छवि के बारे में थोड़ा और पता चला, लेकिन इस बार कई लोग कह रहे थे कि उन्होंने उस आदमी को अपने सपनों में देखा था। वे सभी समान उपाख्यानों से सहमत थे। उन सभी ने बताया कि कैसे उन्होंने सपने में देखना शुरू किया कि ये आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। ज्यादातर समय उसे देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्लीप पैरालिसिस हो गया था, लेकिन कई बार वे बस एक सामान्य सपने में थे। मैंने जितने भी सपने सुने उनमें से किसी ने भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। हर कोई भाग जाता था या अपने बिस्तर में लकवाग्रस्त हो जाता था, जबकि ये आदमी धीरे धीरे उनकी ओर चलता था और कभी नहीं आता था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन वे सभी इस आदमी के बारे में पहले पढ़ने के कारण अनुकूलित थे। मुझे यकीन है कि कई लोगों ने अलग अलग चीजें अपने सपने में देखी होंगी, लेकिन उन्होंने क्या क्या बताया होगा, उन्होंने उसके बारे में पढ़ा और अपने सपने को उस हिस्से के अनुरूप ढाल दिया। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं इस कहानी के बारे में इतनी सारी बातें पढ़कर मुझे इसके बारे में सपने देखने की इच्छा हुई। और आप जानते हैं, इंटरनेट के नियमों के अनुसार ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन एक मुख्य चीज जिसने इस आदमी से मिलने की संभावना बढ़ा दी वो थी इस कहानी को पढ़ना और सोने से पहले उसके बारे में खूब सोचना। मैं मानता हूँ कि जब मैं बिस्तर पर गया तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं उस छवि के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। मेरा मतलब है, उस समय भी मुझे लगा कि ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन वो छवि असल में बहुत डरावनी थी। ये संदेह करते हुए कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, मैंने उस फोटो के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की कि मैं उसके बारे में सपना ना देखूं।
कुछ घंटे पहले मैंने किसी भी तरह से कल्पना नहीं की थी कि मैं इतना डरा हुआ होऊंगा, लेकिन उस छवि का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने मुझे सचमुच चौंका दिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। जैसे ही मैं सोने गया, मैंने सब कुछ बहने दिया। मैं बस इस व्यक्ति के बारे में सोच सकता था। मैंने किसी भी क्षण उसका चेहरा ना मिटाने की कोशिश की, और जैसे ही मैंने सोने का फैसला किया, मैं सो गया। चूंकि मैं सो गया था, मुझे पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ है। अपने सपनों में मैं हमेशा काल्पनिक स्थानों, अपने घर के बदले हुए संस्करणों, या यहाँ तक कि उन जगहों पर था जहाँ मैं अपने अतीत में गया था। इस बार यह अलग था। मैं अपने घर में था, उसी बिस्तर पर जहाँ मैं सोया था। मुझे पता था कि यह एक सपना था। मुझे पता था कि मैं वास्तव में अपने बिस्तर पर सो रहा था। मैंने नींद में अपने आप को चींटी काटी, जो मैं हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए करता हूँ कि मैं सपने के बीच में हूँ। पहला काम जो मैंने किया वो अपने कमरे से बाहर निकलना और डाइनिंग रूम की ओर चलना था। मैं इस आदमी की तलाश करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने मुझे पहले ही पा लिया था। जैसे ही मैंने घर के पीछे डाइनिंग रूम में देखा, वो वहां था। ये वही दूर का आदमी था। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिक्चर्स में था। क्या मैं सच में कलेक्टिव पैरानॉर्मल में से एक मामले को झेल रहा था? ये तो क्लियर था कि मैं उसके बारे में सपना देख रहा था। अगर मैंने सोने से पहले केवल उसी के बारे में सोचता था, मैंने वो करके अपनी बात साबित करने का फैसला किया, जिसे करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। उससे दूर भागने के बजाय मैं उसके पास जा रहा था। जो चीज टहलने से शुरू हुई वह जल्द ही जॉगिंग में बदल गई। मैं आगे आगे दौड़ता रहा, भले ही यह कुछ मीटर की दूरी पर रहा हो। एक बुरे सपने में होने के कारण यह कई सेकंड्स तक बढ़ता गया, जैसे कि यह आदमी एक या दो ब्लॉक दूर था। वो और भी करीब आ रहा था। मैं उसके चेहरे को और अधिक आसानी से पहचान सकता था। मैं उसे पकड़ने ही वाला था, और वो और मैं दोनों ये जानते थे। एक बार जब मैं उससे कुछ मीटर की दूरी पर था, तो मैं धीरे धीरे उसके पास आया। उसने भागने या कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की। वो भी मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे करीब आना चाहता था। जैसे ही उसने ऐसा किया, मुझे अजीब बातें नजर आने लगी जो उसके बारे में किसी ने कभी नहीं कही थी। हर बार जब हम दोनों करीब आते थे, तो मैं देख सकता था कि उसका शरीर कैसे बदल रहा था। वो 6 फुट लंबे व्यक्ति जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगी थी और दांत नुकीले हो गए थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन वो एक शिकारी था और मैं शिकार था। अपनी मर्जी से बाघ के मुंह में जा रहा था। उस पल मैं बहुत डर गया था, और भले ही मैं अभी भी उसकी ओर जाना चाहता था, चिंता मुझ पर हावी हो गई। मैं घूम गया और वापस अपने कमरे में भाग गया, लेकिन आप जानते हैं मैं 3 कदम भी नहीं चल सका। तस्वीर में जो आदमी है, वो आदमी जिसके बारे में हर कोई सपने देखता है, वो मेरे पीछे था। ऐसा पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। हर कोई उससे बचने में कामयाब रहा, और मैं एक निर्दोष व्यक्ति था जो भागने के बजाय उसका सामना कर सका। एक बार जब मैं उसे अपने पीछे ले गया, तो उस आदमी ने मेरा कंधा पकड़ लिया और अपने दांत लगभग आधा मीटर तक मेरे कंधे में गड़ा दिया। मैं दर्द से चिल्लाया। हो सकता है कि मुझे चुटकी से कुछ भी महसूस ना हुआ हो, लेकिन यह वास्तविक था और मैंने इसे महसूस किया। मैं फर्श पर गिर गया और अपने कमरे की ओर रेंगने लगा। उस मॉन्स्टर ने मुझे जाने दिया और मेरे बगल में चलने दिया सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद वो मेरे सामने खड़ा हो गया, और उसने मेरी आंखों के सामने अपना मुंह खोला। उसने अपना मुंह बहुत बड़ा खोला, एक ऐसे आकार से खोला जिसे किसी भी इंसान के लिए हासिल करना असंभव था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके मुंह का खाला छेद अथाह लग रहा था। जैसे ही वो इसे मेरे करीब ले आया, मैं इसके अंदर से लोगों के रोने की आवाज सुन सकता था। लोग मदद के लिए रो रहे थे, बच्चे, एडल्ट्स, यहाँ तक कि न्यूबॉर्न बेबीज भी रो रहे थे। ये सभी उस आदमी का शिकार थे। इस कहानी को कभी कोई नहीं बता सका, क्योंकि इतना करीब पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। मैं लोगों की हताश चीखों से मंत्रमुग्ध हो गया था। उस आदमी का मुंह मेरे और करीब आया। मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे निगलने वाला था। उसकी लार मेरे चेहरे पर टपक रही थी, और मैं ठिठकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं मरने वाला था, संभवत भयानक तरीके से, और मुझे यह पता था, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अचानक ये सब खत्म हो गया। मैं जिंदा था। मैंने अपने बिस्तर पर अपनी आंखें खोली और अपनी बहन को मेरे बारे में चिंतित पाया। जब उसने मुझे जगाने के लिए जोर से थप्पड़ मारा था, उसने मुझे बताया कि मैं बुरी तरह से चिल्ला रहा था और वो मुझे जगा नहीं सकी। एक बार जब मैं उठा, तो मेरी बहन ने चिंतित होकर मुझे बताया कि मेरे कंधे से खून बह रहा था। मेरे शरीर पर बहुत बड़े और अजीब निशान थे, मानो किसी ने मुझे काट लिया हो। मुझे भी अपने सिर पर चोट के निशान महसूस हुए। जब मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ असली था और इसका पैरानॉइड चीजों से कोई लेना देना नहीं था, वो आखिरी दिन था जब मैंने अपनी जिज्ञासा को अपने ऊपर हावी होने दिया।
और मैंने उसके बारे में ना सोचने और राक्षस को वापस ना आने देने के लिए उकसाने के लिए मैं कुछ नींद की गोलियां लेता था। मुझे पता है कि ये एक दोधारी तलवार है, क्योंकि अगर किसी कारण से मैं गोलियां लेने के बाद उसके बारे में सपना देखता हूँ तो मुझे कोई नहीं जगा पाएगा, और जो कुछ भी होगा उसे मुझे झेलना पड़ेगा।